हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। माउंट आबू की नक्की झील ओवरफ्लो, टोकरा बांध में आया 20 फीट के ऊपर पानी। पूरे सिरोही जिले में इंद्रदेव मेहरबान रहे। आधी रात से जारी जोरदार बारिश से नदी नाले उफान पर हैं। बांधों में लगातार पानी की आवक जारी है। वहीं राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन माउंट आबू की नक्की झील ओवरफ्लो हुई है, जिससे आबू के लोगों में खुशियां का माहौल है। वहीं नक्की झील का पानी अब आबू की गोद में बसा अनादरा क्षेत्र के सबसे बड़े बांध करोड़ी ध्वज बांध में पहुंचने से किसानों और लोगों के चेहरे खिल उठे हैं, क्योंकि करोड़ी ध्वज बांध की मुख्य पानी की आवक नक्की झील ओवरफ्लो का पानी का जरिया है। जो नक्की झील और ओवरफ्लो होने से पानी की लगातार आवक बढ़ेगी, जिससे कि बांधों की भराव क्षमता पूरी होकर बांध भी ओवरफ्लो होने लगेंगे। तभी जाकर लोगों को कुएं में पानी की आवक होगी, जिससे कि अपनी खेती की बुआई करने में समस्या नहीं होगी। लोगों में खुशी का माहौल है और खुशी का ठिकाना नहीं है। कल तक करोड़ी ध्वज बांध में 3 मीटर पानी की आवक हो चुकी थी और अब नक्की झील का पानी आने से तेजी से पानी आएगा और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश से बांधों की पानी की आवक जारी रही है। कई नदियां उफान पर है। वहीं टोकरा बांध में सुबह 8 बजे तक 20 फुट 21 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। पहाड़ों में लगातार तेज बारिश से पानी की आवक जारी है, क्योंकि आबू में अच्छे बारिश से झरनों का पानी बह रहा है, जिससे लोगों और साथ ही किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। जागरूक टीवी के लिए नागाणी से महेंद्र सिंह परमार की रिपोर्ट।